मंगलवार को सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में विद्यालय की छात्राओं को नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड ने पॉलीथीन का उपयोग बंद करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य रमेश राय व चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने छात्राओं को पॉलीथीन के उपयोग से होने वाली हानि के बारे में समझाया और कपड़े के झोले के उपयोग करने के लिए जागरूक किया। साथ ही डेंगू, चिकुनगुनिया व मस्तिष्क ज्वर से बचाव संबंधित पंपलेट एवं सूती कपड़े का झोला का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य रमेश राय, चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी, डिविजनल वार्डन प्रखंड कोतवाली जितेंद्र देव उपाध्याय, सुरेश कुमार, आदर्श आनंद, विकास जालान, दुर्गेश त्रिपाठी, मनोज कुमार गुप्ता, मुकुल आनंद, तौफीक इस्लाम उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विद्यालय की छात्राएं और चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने कहा, प्रार्थना को देखा मैं बहुत ही अभिभूत हुआ। हमारे प्रदेश के शासन, हमारे मुख्यमंत्री महोदय का ये जो सुंदर सपना, बहुत ही ईमानदार है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि आपके कोई भी आचार्य, आपका जो संदेश है अभी हम सभी अब बोलेंगे उसी को दोहराना है। आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सभी आज संकल्प लेते हैं कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सभी कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अगर आपको पेपर दिया जा रहा है उसको हाथ नीचे करें। बहुत अच्छा कदम उठाया गया है स्वच्छता अभियान के लिए। हम लोग को पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पॉलीथीन से बहुत सारे नुकसान, जैसे नाले बंद हो जाते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और वो मतलब नुकसान भी होता है उससे, तो वो मतलब बहुत अच्छा निर्णय है ये। आपके घर में पॉलीथीन होता है? जी, पॉलीथीन अब नहीं आ रहा है, अब बंद हो गया है। एक सवाल मैं प्राइम मिनिस्टर सर से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे पॉलीथीन तो ये बंद करवा देंगे, पर जो रैपर्स आते हैं, जो कुरकुरे चिप्स वगैरह रैपर्स में करके आते हैं, वो भी तो प्लास्टिक के होते हैं। टिफ़िन प्लास्टिक का बनता है, बॉटल प्लास्टिक का बनता है, सब प्लास्टिक का बनता है। कहाँ तक प्लास्टिक बंद करवाएंगे? अगर इन सब चीज़ों पे रोक लगाई जाए तब होगा हमारा भारत प्लास्टिक मुक्त। बस यही कहना चाहती हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर सर से। थैंक यू। हम लोगों ने यहाँ के अलावा इससे पहले बहुत सारी सब्ज़ी मंडियों में ये अभियान चलाया है और सब्ज़ी मंडियों में ग्राहकों को जागरूक करने के लिए उनको पॉलीथीन के बजाय कपड़े के झोले का प्रयोग करने के लिए खुद अपने हाथ से कपड़े के झोले दिए हैं ताकि लोग जो हैं वो उनका इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से हम लोग अब स्कूल, कॉलेजों, सब जगह पे पैम्पलेट वितरण, हैंडबिल वितरण और कपड़े के झोलों का वितरण करके बच्चों को जागरूक कर रहे हैं ताकि बच्चे अपने घर में जा कर के और शिक्षक शिक्षिकाएँ अपने घर में जा कर के लोगों को जागरूक करें। सफलता ज़रूर मिली है क्योंकि पॉलीथीन का प्रयोग, जो हमने नगर निगम के उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि पॉलीथीन अब पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। नालियों से जो सफाई हो रही इधर काफ़ी कम हुआ है, तो ज़रूर इस हमारे जो मुख्यमंत्री की योजना है पॉलीथीन मुक्त उत्तर प्रदेश करने की, तो ये इसमें ज़रूर हम लोग उनके लिए एक योगदान साबित होंगे। सिविल डिफेंस गोरखपुर।